हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी कैन डू यूजेस ऑफ मेक। यूज ऑफ मेक, हाउ टू यूज मेक इन डेली रूटीन सेंटेंसेस। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक। मेक मींस बनाना। ओप्स, बनाना नॉट इंग्लिश वाला बनाना, केला नहीं। केला, केले को भी हम बनाना बोलते हैं, बट ये बनाना हिंदी वाला। बनाना, आकार देना इसको कोई। क्लियर? सी, शुड आई मेक टी फॉर यू? आई एम मेकिंग पास्ता। अनु विल मेक फ्राइड राइस टुमारो। डू नॉट मेक लंच फॉर मी। मेरे लिए खाना मत बनाना। और मेक की पास्ट फॉर्म क्या होगी? मेड। तो अगर हमने कोई बात पहले की बतानी है तो क्या आएगा? आई मेड सूप यस्टरडे। मैंने कल सूप बनाया था। एंड डिड यू मेक सूप यस्टरडे? क्या आपने कल सूप बनाया था? तो इसमें हमने क्या करा है, आपने नोटिस करी ये बात? यहां पे तो हमने मेड लिया है, आई मेड सूप यस्टरडे, कल की बात थी। ये भी कल की बात ही पूछी जा रही है, डिड यू मेक सूप यस्टरडे। यहां पे कई मेड यूज करते हैं, बट वो रॉन्ग होता है, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए यहां मेक लगा है, मेड नहीं लगा। मेड क्यों लगाया हमने? पास्ट पूछने के लिए। पास्ट के लिए हमने डिड भी लगा दिया यहां पे, तो डिड लग गया, तो इसीलिए हम यहां पे मेक बनाएंगे। आपने कईयों को सुना होगा, डिड यू मेड, डिड यू मेड, तो वो रॉन्ग होता है, डिड यू मेड सूप यस्टरडे, दिस इज राइट आंसर। नाउ सी नंबर 7, योर मदर हैज मेड सैंडविच फॉर यू। क्या आएगा इसमें? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया। अब नेक्स्ट क्या है? योर मदर हैड मेड सैंडविच फॉर यू बट आई ईट डैट। तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया था पर वो मैं खा गया। बनाया था तो हैड मेड आ जाएगा। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट, आई नो दैट यू आर मेकिंग मी फूल। क्लियर? इसमें शक्ल बनाना, बहाना बनाना, किसी को फूल बनाना, तो उनके लिए भी क्या यूज होएगा? मेक। जैसे कि इसी में कि आई नो यू आर मेकिंग मी फूल, मेरे को पता है कि आप मुझे फूल बना रहे हो, मूरख बना रहे हो, तो मेरे को मूरख बना रहे हो, मेकिंग मी फूल। सी नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज मेड गुड मनी इन हिज बिजनेस। क्लियर? मेक अ प्लान टू विजिट अस समडे। किसी दिन मिलने का प्रोग्राम बनाओ।
तो क्या आएगा, मेक अ प्लान टू विजिट समडे. नेक्स्ट, ही मेड अ फूल ऑफ यू. उसने मूर्ख बनाया, उसने आपको मूर्ख बनाया. आई कैन नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली. मैं इतनी जल्दी आसानी से न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाता. मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश. यू मेड माई डे. डोंट मेक अ फेस ऑन सीइंग द फूड. फूड को देख के शक्लें मत बनाओ. जो बच्चे कई बार होते हैं खाना नहीं खाते, खाना देखते ही मुंह बनाने लग जाते हैं, उस वे में जब होता है तो हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. डोंट मेक अ फेस ऑन सीइंग द फूड. क्लियर? यू कैन सी आई थिंक दिस देयर आर 16 सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में यूज करते ही हैं मोस्टली, तो इनमें मेक का कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको आज बताया है. कल इसके बारे में और बताऊंगी, क्योंकि मेक की 3 to 4 लेसन्स हैं, टॉपिक्स हैं कि किस किस तरह मेक यूज होता है, किस किस जगह पे यूज होता है. अभी तो हमने मेक का मीनिंग करा है बनाना, आकार देना. नेक्स्ट इसका वीडियो हम करेंगे जो वो होगा मेक मीन्स करना, और उसके बाद है मेरा मेक का ही टॉपिक, किसी ने किसी को ऐसा बना दिया, किसी के कारण वो ऐसा बन गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो वहां भी मेक यूज होगा. और अगर आपको ये मेरी रूल्स ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स. और मेक के आगे टॉपिक देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो की वेट करें. मेरी ये नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी. कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.